फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल के थ्रू प्रमोट करती हूँ गुडनेस, अवेयरनेस एंड स्पिरिचुअल थॉट प्रोसेस। मेरे टॉपिक्स बहुत सारे वैरायटी के होते हैं जो कि आपको गुड लाइफ प्रमोट करने को मजबूर करेंगे और आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ ले जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को वॉच करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर डालिए। नमस्कार। होली का त्यौहार बस नज़दीक ही है और आपको पता है कि होली क्यों मनाई जाती है। चलिए पहले तो होलिका दहन की कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है कि हिरण्यकश्यप के यहाँ पुत्र पैदा हुआ, ज्येष्ठ पुत्र, उसका नाम प्रह्लाद था। उसको शुरू से ही भगवान विष्णु का भक्ति में बहुत मन लगता था, पर हिरण्यकश्यप क्या था, दैत्य का राजा था, तो उसको ये बात बर्दाश्त नहीं होती थी। उसने बहुत बार उसको मारने की कोशिश की गई पर वो नहीं मरा। फिर उसने अपनी बहन, हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, उससे बोला कि तुम उसको अग्निकुंड में लेके बैठ जाओ और तुम्हारे पास तो क्योंकि भगवान शंकर की वो चादर दी गई है जिससे तुम जल नहीं सकती हो, तो तुम वो पहन के उसको गोदी में लेके बैठ जाओ और जब अगर वो मर जाएगा तो ये बात ख़त्म हो जाएगी। पर जब वो लेके बैठी तो ये देवताओं को देखा नहीं गया। देवताओं ने अपने देव नगरी से उसके लिए चद्दर फेंकी ऊपर से प्रह्लाद के लिए और वो चद्दर उस पर लिपट गई। जब अग्नि प्रज्वलित हुई तो क्या हुआ, होलिका जो जल गई पर प्रह्लाद बच गया। तो देखिए भगवान की लीला कैसी है कि बुराई जो होती है वो कभी नहीं टिकती है अच्छाई के सामने। बुराई की हार होती है और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। ये लेसन हमको इस कहानी से मिलता है। वैसे तो विभिन्न प्रांतों में बहुत तरह की होली बनाई जाती है, जैसे कि बरसाने की लटमार होली, जहाँ क्या होता है, राधा और कृष्ण का प्रेम दर्शाने का भी ये एक तरीके का प्रसंग होता है। उसमें क्या होता है, पुरुष महिलाओं पर रंग डालते हैं और महिला लट लट लेके पुरुषों के पीछे भागती हैं। ये क्या है, एक तरह का राधा और कृष्ण और गोपियों का रास लीला का एक अच्छा सा एक विवरण बन जाता है और दृश्य नज़र आता है। खूब ये होली 3-4 दिन तक खेली जाती है वहाँ पर। ये होली भरतपुर में भी खेली जाती है, करौली में भी, राजस्थान में खेली जाती है और बनारस में ये होली मसान में भस्म से खेली जाती है। होली तो नॉर्मली सब घरों में बनाई जाती है और खूब धूमधाम से बनाई जाती है। सब परिवारजन मिलते हैं और ठंडाई का सेवन करते हैं और गूंजिए तो स्पेशली सब जगह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो चलिए आपको मैं एक गूंजिए की रेसिपी बताती हूँ जो कि घर में बनते हैं और बहुत स्वादिष्ट होते हैं। और ये घर में जो चीज़ बनती है वो हमेशा हेल्दी होती है क्योंकि उसमें कोई मिलावट नहीं होती है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्प्रेड गुडनेस एंड स्वीटनेस थ्रू होममेड गुंजियास। ये मैंने मावा बनाया है दूध को गाढ़ा करके और इसमें मैंने ये नारियल डाला है, बूरा डाला है जो कि केमिकल फ्री है, मतलब चीनी, और ये पीसा हुआ बादाम है और ये इलायची है और ये थोड़ा सा पानी है चिपकाने के लिए। ये आटा लगाया हुआ है, आटे को आप मैदा लीजिए और या थोड़ा सा आटा भी डाल सकते हैं उसमें, और थोड़ा सा आप प्योर घी डालिए और उसको गुनगुने पानी से ऐसे गूंद दीजिए और इसको ऐसे लोया बना के इसको ऐसे बेलना है। बेलने के बाद आप लीजिए इसका सांचा, ये सांचा है इसका, और इस पर इसको ऐसे रखते हैं, इसको ऐसे रख के यहाँ पर आप थोड़ा सा पानी लगा देते हैं, ऐसे कोने में पानी लगा देते हैं थोड़ा सा, और इसको एक स्पून लेके ये जो बना हुआ मसाला है इसमें से एक स्पून मसाला लेके आप इसमें डाल देते हैं और इसको ऐसे प्रेस कर लेते हैं। इस तरह से आप प्रेस कर लेंगे, एकदम टाइट से प्रेस करना है ताकि खुले नहीं तलने पे। और इसको ये जैसे ऐसे हटा के इसको इधर रख देंगे और ये आप देखिए कि ये गुंजिया तैयार हो जाता है। अब इसको तल देंगे। इसको तलने के लिए आप, ये मेरे कुछ पहले से बने हुए हैं गूंजिए, और इसको तलने के लिए जैसे ही तेल गर्म होगा इसमें धीमी आंच पे इसको तल देंगे। ये देखिए खस्ता गूंजिया बनके तैयार हैं और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं और हेल्दी होते हैं। प्लीज़ आप घर में ज़रूर से बनाइए और अपने परिवार वालों को इसका स्वाद का आनंद लेने दीजिए।